नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज दशहरा है। दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है और हर साल की तरह इस साल भी दशहरा और विजयदशमी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा या विजयदशमी मनाया जाता है। बहुत सारे लोग विजयदशमी और दशहरे को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं क्योंकि दोनों पर्व एक ही दिन मनाए जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों में अंतर भी नहीं समझ आता। तो ऐसे में हम बात बता दें कि आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और विजयदशमी पर देवी दुर्गा ने नौ रात्रि और दसवें दिन युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस दिन को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन देश में जगह जगह रावण का पुतला दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण का पुतला दहन करने का अर्थ होता है कि अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करके अपने अंदर की अच्छाइयों को उजागर करना। ऐसे में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पुतला दहन की तैयारियां की गई हैं। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। के बाद इस बार दशहरा खास है क्योंकि पहले भी दुकानें बंद पड़ी हुई थी, यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मान लिया गया था कि दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन इस बार दशहरे में काफ़ी कुछ दुकानें खुल चुकी हैं। आप ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन सजे हुए हैं, यानी कि जब शाम को लोग आएंगे बच्चों के साथ मेला घूमने तो उनके लिए खास गुड्डा गुड़िया गुल्लक मिट्टी के जितने भी सामान हैं वो यहाँ पे दुकानें अब सज चुकी हैं। कुछ दुकानें अभी और भी लग रही हैं। इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि कोरोना के बाद अब जो दुकानें खुल रही हैं कैसा लग रहा है आपको। मैम, सबसे पहले तो बताइए, कोरोना चल रहा था उसके बाद अब दशहरा आज है और कैसा लग रहा है आपको दुकानें लगाने के बाद? अरे लगी है ना दुकान तो खैबा का बिटिया। 2019 से दुकानें सब बंद पड़ी हुई थी तो कमी लग रही होगी कि दुकानें यहाँ लगाते थे? जब दुकान ना लगे तो खाना कहाँ से? यही हमारे लोग की रोजी रोटी है। तो इस बार खुशी है, दशहरा मन रहा है और दुकानें भी आपकी दुकानें सज चुकी हैं? अच्छी बात है, दुकान लगी है ना तो हम लोग पैसा पैबा कहाँ से, बच्चे भूखे प्यासे रात खेती बाड़ी तो है नहीं कोई। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया आपका। बिल्कुल रोजी रोटी का भी सवाल है और साथ ही साथ दुकानें लगने भी बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि परिवार को पालना भी बहुत ज़रूरी होता है। और भी बहुत सी दुकानें लग चुकी हैं। ये रामलीला मैदान के ठीक बाहर के जो रोड है वहाँ पे पूरे तरीके से दुकानें के लिए इजाज़त मिल चुकी है और यहाँ पे वो दुकानें लगाई गई हैं। काफ़ी कुछ शाम को भी देखने को मिलेगा, शाम की भी अलग तैयारी की गई है। मैम से बात कर लेते हैं, इन्होंने मुखौटे रखे हुए हैं, यहाँ पर तितलियाँ हैं, कुछ बहुत कुछ अलग देखने को भी मिल रहा है। मैम, सबसे पहले तो कोरोना के बाद अब आप लोगों को मौका मिला एक बार फिर से दुकान लगाने का? तो मैम, एक दुकान लगाते हैं मेले में हम, जब से कोरोना लगा तब से बहुत तकलीफ़ हो रही है हम लोगों के लिए, तो हमको पता लगा यहाँ मेला लग गया तो हम लोग आए इधर लगाने के लिए। इस बार खुशी है आपको कि दशहरा में मौका मिला दोबारा से? हाँ मैम, क्यों नहीं है, हमको खुशी है मेला लगा है दशहरा, इसीलिए मैम हम आए हैं दुकान लगाने। कहाँ से आई हैं आप? हम जिला शाहजहानपुर से आए मैम। हाँ, आपने कुछ खास इमोजी है, स्टिकर्स हैं, तितलियां हैं, कुछ खास है इसके अंदर और भी? नहीं मैम, यही सामान है हमारे पास, तितलियां बेचते हैं। हाँ, तो कुछ अलग रेट हैं इनके कि मतलब अलग बार्गेनिंग लोग आएंगे करेंगे कमी बेसी? नहीं मैम, कुछ तो 25 रुपये में लेते हैं, कोई 30 रुपये में लेता है। मैम 40 का है और 30 रुपये का है और 10 रुपये के हैं बस मैम। आप लोगों को इजाज़त मिली है यहाँ पर दुकान लगाने के लिए, क्या कुछ नियम बताए गए? नहीं मैम, हमने देखा था कि यहाँ मेला लगेगा तो हम आ गए मैम यहाँ लगाने, इसीलिए हम आए हैं इधर। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे और भी दुकानें आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ दुकानें अब लगनी शुरू हो गई है, दिन की शुरुआत है। और कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि मेला आप घूमने आएंगी, दशहरा आज है, कैसा लग रहा है 2019 के बाद कोरोना हो गया था और अब फिर से एक बार शुरुआत हो रही है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी से आप निकल आई हैं घूमने के लिए बच्चों के साथ? हाँ, अभी से निकल आए क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा जल्दी ही करके, एक्चुअली भीड़ में नहीं आना चाह रहे थे, कोरोना की वजह से भीड़ में नहीं आना चाह रहे थे इस वजह से। तो क्या क्या खरीदारी करेंगी आज, कुछ अलग से दिमाग में मेंशन है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बच्चों का
बच्चों के लिए इनका एडवेंचर, एक्चुअली इनको एडवेंचरस लगता है सबसे ज़्यादा। मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ कि बेटा आप बताओ आपको कैसा लग रहा है आज घूमने में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, काफ़ी टाइम के बाद मेला देखने को मिल रहा है ना? हाँ। क्या क्या खरीदा जाएगा ये कुछ सोचा है? हाँ, बहुत कुछ सोचा है। मम्मी का पर्स आज बिल्कुल खाली? हाँ। अरे वाह, क्या सोचा है लेने के लिए, कुछ बताया जाएगा? हाँ, जैसे बहुत सारे खिलौने वहाँ पे जो बिक रहे हैं। और किचन, किचन सेट भी ली जाएगी ना? पर किचन सेट तो हमारे घर पे है। ओ, तो कुछ और है नया? हाँ, देखेंगे तो मिलेगा। ओके, मतलब अभी आपने सोचा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली लेना क्या है? हाँ, नहीं सोचा ऐसे। आप बताओ ना, आपका क्या नाम है और आप क्या क्या लोगे मम्मी के साथ आज घूमने आए हो? तो मेरा नाम किट्टू है और मैं आज बहुत सारे टॉयज खरीदूंगी और अपनी बहनों के साथ बहुत मजे करूंगी। अरे वाह, तो कुछ खास सोचा है आपने लेने के लिए? गुल्लक पैसा जमा करने के लिए? हाँ। लेना है वो? हाँ, मुझे लेना है क्योंकि हमारा पुराना वाला हमने तोड़ दिया था। ओ, उसमें से पैसे निकले होंगे, फिर वही अलग से इंतजाम है उसके लिए। हाँ। वाह, और कुछ नया? यहाँ पे बहुत सामान बिक रहे हैं, मैंने अभी देखा यहाँ पे। मैं अपने स्टेशनरी के लिए कुछ लूँगी और मैं बहुत यूजफुल चीज़ें दूँगी। अच्छा। जो मेरे पढ़ाई के लिए यूज़ हों और मैं और कुछ अपनी बहनों के साथ खरीदूँगी जो उन्हें चाहिए होगा। ये सारी आपकी बहनें आई हैं? हाँ। वाओ, और मम्मी के लिए कुछ डिमांड अलग से? मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है, कुछ सरप्राइज दोगे मम्मी को आप? हाँ, पर वो हमें सोचना पड़ेगा अभी। अभी सोचा नहीं है? अच्छा, आप बताओ आपने क्या सोचा है, आप कुछ लोगे? हाँ। क्या? यहाँ पे बहुत चीजें हैं। अच्छा, आपने मास्क नहीं पहना है लेकिन आपको मास्क भी पहनना चाहिए था। मैं घर से भूल गई ना। अच्छा, तो क्या कुछ खरीदना है, कुछ खाना भी है? अभी नहीं, रात में आऊंगी। अच्छा, अभी इसी बात पे टहलने आई है, यहाँ पे क्या क्या दुकानें लगी हैं? हाँ। मम्मी के साथ आई हैं, किसके साथ आई हैं आप? अपने पापा साथ। पापा के साथ आई हैं। चलिए पापा से भी बात कर लेती हूँ। पापा, आप बताइए कि बच्चों के साथ आप निकले हैं कोरोना के बाद, 19 के बाद, अभी भी हम कोरोना काल में चल रहे हैं, अब मौका मिला है बाहर निकलने के लिए, घूमने के लिए, बच्चों के साथ आप निकले हुए हैं, कैसा लग रहा है बच्चों को इस बार घुमाने में? थोड़ा बच्चों को भी उत्साह है, पिछली बार ये मायूस हो गए थे लेकिन फिर कोरोना काल का नियम का पालन करना ही पड़ता है, फिर भी अभी भी कुछ ना कुछ पालन करना ही पड़ेगा। तो जेब टाइट है बिल्कुल, बच्चों की डिमांड तो बहुत बड़ी बड़ी होगी कि आज हमें ये खरीदना है? नहीं, टाइट तो अब टाइट करना पड़ता है, अब बच्चे जो मांग लेते हैं तो कुछ बहुत अपने जेब के हिसाब से, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इनको मेला में घूमने का मौका मिला है। हाँ, तो अब इनकी मांग तो पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ जी, तो अभी तो ये सिर्फ ऐसे देखने आए हैं, रात में फिर बता रहे फिर आएंगे। हाँ, तो दो चक्कर यानी कि इनको घूमना है आज? हाँ, आज दो चक्कर, ये कल भी कह रहे थे आने के लिए। अच्छा। तो हमने कहा शायद नहीं लगा हुआ है। हाँ। रात में टीवी में देखा हमने कि मतलब इजाज़त दी गई है कि ये करा जाए, तो हमने सोचा लाओ दिन में पहले देख आते लगा है कि नहीं लगा है, तो अब शाम को आए हैं। तो यानी कि आज शाम को आप लोग फिर एक बार लौटेंगे और फिर एक बार घूमना होगा आपका। आप भी बता दो, आप पापा के साथ आई हैं, क्या लेना है आज? मैं तो स्टेशनरी लूँगी। अच्छा। पेंसिल पाउचेस लूँगी। अच्छा। कैसा लग, कैसा रहा कि बहुत टाइम के बाद बाहर निकले मेले में घूमने को मिल रहा है? आपकी मुस्कान बता रही है बहुत खुश है। आज बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है। मतलब आपने अपनी फ्रेंड को भी बताया कि आप आ जाओ आज मेला यहाँ पे लग रहा है? हाँ। बताया? हाँ। अच्छा। सब लोग को पता है कि कल से ही लगेगा। अच्छा। कुछ लोग कल भी आ चुके हैं, मैं आ जा रही हूँ। अच्छा, तो अभी शाम में फिर फ्रेंड्स आएंगे या फैमिली के साथ आप घूमेंगी? मैं तो फैमिली साथ घूमूंगी, फ्रेंड्स भी अपनी फैमिली साथ घूमेंगे। मज़ा आ रहा है खूब? क्या क्या सोचा है, क्या खरीदारी करनी है, कुछ खाना है अलग स्पेशल? मैं तो बस उस वो देखने के लिए आई हूँ रावण। तो वो रावण देखने के बाद फिर मेले में खरीदारी शुरू हो जाएगी। ओके। तो कुछ आप अपने फ्रेंड्स के लिए अलग से गिफ्ट खरीदेंगी? नहीं, नहीं लेना है? नहीं। ओके, यानी कि आप अपनी सिर्फ अपनी खरीदारी करने आएंगी आज यहाँ पे।
ओके, बहुत बहुत थैंक यू आपका। जी हाँ, दशहरे में आज बहुत बच्चे भी खुश हैं, फैमिली के साथ निकले हुए हैं। निश्चित तौर पर ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर लखनऊ में, ख़ास इंतज़ाम के साथ साथ परिवारों में भी बहुत खुशी है, क्योंकि 2019 के बाद एक मौका ज़रूर मिला है परिवार के साथ उत्साह मनाने के लिए। 2019 के बाद अब फिर एक बार रामलीला मैदान सच के तैयार हो रहा है। हमारे साथ आयोजक हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि दशहरा में आज यहाँ की क्या तैयारियाँ हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। सर, प्रथम मैं आपको जो है, आप सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिवम दयाल, इस रामलीला कमेटी का कोषाध्यक्ष। तैयारियाँ हमारी पूरी हैं। पिछले साल कोविड के दौरान कोई भी व्यवस्था हो नहीं पाई, और जब व्यवस्थाएं हुई तो उसके बाद प्रशासन ने मना कर दिया कि इस बार नहीं कराना। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए प्रशासन ने मना कर दिया। इस बार कोविड प्रोटोकॉल के साथ हमारी तैयारियां पूरी हैं। शाम को 7 बजे हमारी रामलीला स्टार्ट होगी, और 9:30 बजे के टाइम पे हमने रावण दहन का समय रखा है, निश्चित किया गया। मैं देख रही हूँ पीछे रावण बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अभी इसमें क्या कुछ बाकी रह गया है? इसमें अभी रावण का सर है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, तलवार हैं, मतलब मुख्य रूप से जो इसका आकर्षक सजावट रहती है वो अभी पूरी बाकी है, वो अलग रखी हुई है, आके वो पूरा अभी कंप्लीट हो जाएगा। 5 बजे एकदम आपको रेडी मिलेगा। अच्छा, जैसे बाकी ग्राउंड की भी अगर हम बात कर रहे हैं, पूरी तैयारी आप करवा रहे हैं 19 के बाद जी, इस बार लगता है आपको भीड़ इकट्ठा काफ़ी होगी? हाँ, भीड़ इकट्ठा तो होगी, लेकिन उस मुकाबले में नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी। भीड़ होगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा। जी, कितने की कैपेसिटी मान रहे हैं यहाँ पर, कितने लोग आ सकते हैं अंदाज़ा? 700 लोगों के आसपास हम लोग अभी मान रहे हैं जी, उसी हिसाब से पूरा हम लोग ने इंतज़ाम किया है, और बाकी बढ़ेंगे तो उसके लिए भी और इंतज़ाम है। अच्छा, खास यहाँ पर मेहमान कौन होंगे, आज मुख्य अतिथि कौन होंगे यहाँ पर? नगर आयुक्त जी से बातचीत अभी चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो मेन तो नगर आयुक्त जी रहेंगे, और हमारे जहाँ से रामलीला होती है सदर से, वहाँ के पार्षद हैं श्री संजय दयाल जी, वो रहेंगे, रावण दहन वही करते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है, क्या उसके लिए कोई अलग से आपने नियम बनवाए हैं? सारी तैयारियाँ कोरोना प्रोटोकॉल के लिए, आपके मास्क रहेंगे, सैनिटाइजर रहेंगे, गेट पर ही जो है सबको, अगर कोई मास्क वेयर करके नहीं आया उसको दिया जाएगा। सारी तैयारियाँ हमारी कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से ही हैं। मुख्यमंत्री भी पहले आते थे, काफ़ी टाइम पहले मैंने भी देखा है यहाँ पर मुख्यमंत्री खास तौर से आते थे, क्या इस बार संभावना है आ सकते हैं? इस बार संभावनाएं कुछ कम हैं, क्योंकि तैयारी करने में हम लोग को समय बहुत कम मिला है। जो परमिशन्स हमारी आती हैं इस रामलीला को कराने के लिए, वो काफ़ी लेट में हुआ है काम, तो हम लोग को समय चूँकि कम, समय कम होने के कारण हम लोग उन व्यवस्थाओं को नहीं देख पाए, मतलब VIP जो आने थे उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। अच्छा, यानी कि आज दशहरा जरूर मनेगा, लेकिन कोई मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि के रूप जनता ही मेन मुख्यमंत्री होगी। जनता है, और हमारे पार्षद जी श्री संजय दयाल जी कैंट के पार्षद हैं, वो मुख्य अतिथि रहेंगे। शुक्रिया जी। हाँ, जैसे यहाँ के रामलीला मैदान है, लखनऊ का फेमस मैदान माना जाता है, यहाँ पे लगभग तैयारियाँ हो चुकी हैं, और आप ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं यहीं पे थोड़ी देर के बाद, यानी कि 5 बजे के तकरीबन समय बताया गया है, यहाँ पे रावण दहन किया जाएगा। जनता जो आएगी यहाँ पे देखने के लिए, उन सब के लिए भी खास इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखा गया है। लखनऊ से रुबिस से दिखी न्यूज़ वाले। अमित, क्या काम करते हो तुम? आतिशबाजी का। आतिशबाजी का, तो किस चीज़ के लिए बम बना रहे हो? रावण के लिए। रावण के लिए कितने दिन से बम बना रहे हो आप? 2 साल से। इससे पहले कौन बनाता था? कमिश्चन। कमिश्चन, कैसी तैयारी है रावण को लेके? रावण लेके तैयारी बहुत बढ़िया है भाई साहब। हाँ, और कमेटी द्वारा तैयार है, सब व्यवस्था तैयार है। अच्छा, कितने बजे रावण का दहन होता है? रावण का दहन 6 बजे करीब है। तो उसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई? हाँ जी। मेरा गौरव नाम है। गौरव, किस तरीके से तैयारी की गई है? रामलीला कमेटी की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, और 2:30 बजे से एक मेला आएगा यहाँ पे, काली मेला, ठीक है, उसके बाद शाम को 6:30 बजे रावण दहन होगा। रावण का प्रतिक्षण तैयार हो गया? पूरा तैयार है, खाली अभी पटाखे लगाने बाकी हैं, और शाम को लग जाएंगे, और पूरा मेला आ रहा है, मेला 6:30 बजे लग जाएगा यहाँ पे। हर साल जो लग रहे, आपसे 2 साल पहले जो लगते थे वो 55 फुट का था, 45 का और 50 का। कम से कम 55 फुट? कम से कम 55 फुट। इस बार क्या साइज, कितने बड़े लगे हैं? अब जो साइज हैं तुम्हारा 28 है, 25 है और 22 है। कारण जो कम साइज के लगे हैं ये? कारण एक तो हो गया ये कोरोना जो चल रहा है इस टाइम, इसके उसमें चल रहे हैं कोरोना के, उसमें अपने छोटे लेकर। दूसरी बात ये है कि मार्केटिंग जो चल रही है वो बहुत मंदी चल रही है। मंदी के कारण? मंदी के कारण।
तो कहीं ना कहीं कोरोना और मंदी का प्रभाव रावण के पुतले रावण पे भी पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि हर चीज महंगी हो गई है, मार्केट में जो भी सामान लेने जाओ वो भी महंगा है इस टाइम। क्या नाम है आपका? जी चंद्रपाल सर। क्या कार्य करते हैं आप? मेरा पुतले बनाने का काम है। तो इस बार कहाँ कहाँ पुतले बनाने हैं? मैंने धोलाने, मुरादनगर और हापुड़ के पुतले बनाए। इस बार रावण की जो लंबाई है कम देखी जा रही है, क्या कारण है? कितनी लंबाई पहले होती थी? पहले लंबाई 50 55 60 फुट होती थी, और इस बार जो है 25 और 30 फुट है। तो क्या कारण है जो रावण के पुतले की लंबाई इस बार कम रखी गई है? एक तो कोविड की मेहरबानी है जी, उससे परेशानी हुई है, और प्रशासन कह रहा है कि अभी थोड़ा सा जो है लोग बाग इकट्ठे ना हुए, कुछ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। तो महंगाई के चलते भी लंबाई घटाई गई है? महंगाई की वजह से भी है, और कुछ कोविड की वजह से भी लंबाई कम है। आज सत्य का विजय होगा, जिसको लेकर रावण की पुतला की दहन होगी। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये गोरखपुर का एक आकर्षण का केंद्र रामलीला मैदान है, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में ये भीड़ इकट्ठा हुई है, और इसमें रावण को बनाया गया है। देखिए कैसी रावण को जो है यहाँ सजाया गया है, और बहुत ही अटूट जो है यहाँ पे जो रावण की पुतला है, इसका जो सर है, जो इनकी सारी चीजें सर है, वो सारी चीजें तैयारियां कर ली गई है। पूरी तरह जो है तैयारियां यहाँ पे जोरों पे है। यहाँ पे जो प्रतिमा है इनकी, वो सारी चीजें, मुकुट है, आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ तैयारियां कर ली गई है, और इनके जो है मुख्यमंत्री के देख रेख में ये सारी कार्यक्रम जो है सफल होगा, और 7 बजे से ये पुतला दहन कराया जाएगा। मृत्युंजय पांडे, न्यूज ऑन इंडिया, गोरखपुर। आज पुतला दहन होगा रावण का, क्योंकि ये रामलीला मैदान में आज 159 साल का जो है आज रावण पुतला दहन होगा रावण का। इसमें जो रामलीला मैदान है, जो योगी आदित्यनाथ का जो है ये गृह जनपद है, और इसी गृह जनपद के जो रामलीला मैदान है यहाँ पे पुतला दहन होता चला आ रहा है, और आज भी यहाँ पे पुतला दहन होगा। शाम जो है ये झांकियाँ जो है आप देख सकते हैं कि तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं रामलीला मैदान में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं पूरी जो है तैयारियाँ कर ली गई है, और इस पे जो है तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद होंगे, और शाम 5 बजे यहाँ रावण की जो है पुतला दहन होगी। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या खामियां रही है, और कैसे जो है पुतला दहन होता है, रावण की पुतला जो है किस प्रकार दहन होता है, कितना साल होता चला आ रहा है दहन की। ये मंच जो है ये तो बहुत पुराना है, 159वां साल है इसका, और प्रतिवर्ष इसी तरह से इसे मनाया जाता है, और दशमे दिन रावण का पुतला दहन होता है। रामचरितमानस के आधार पर भगवान की लीला दिखाई जाती है, और राम के चरित्र को दर्शाया जाता है। रामायण में गोस्वामी जी ने केवल दो ही परिवार का वर्णन किया, एक रावण का एक राम का, और इसलिए दर्शाया जाता है ताकि लोग राम के चरित्रों को लेकर के, राम के आदर्शों को लेकर के अपना जीवन यापन करें, कि राम का क्या कर्तव्य था, रावण का क्या कर्तव्य था, दोनों की विशेषता बतलाई गई। रामायण के माध्यम से गोस्वामी जी ने बतलाया कि राम कौन है, राम का चरित्र क्या है, भाई के प्रति, माता के प्रति और पिता के प्रति। उनके लिए लिखा उन्होंने, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, ये है राम का आदर्श, कि प्रातःकाल उठते हैं तो राम अपने माता। अच्छा, रावण की जो पुतला दान होते हैं, आखिर रावण जो है क्यों पुतला दान होती है? इसलिए कि रावण का, वही मैं बतला रहा हूँ कि रावण का क्या चरित्र है, कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानव निश्चर संप्राणी। निश्चर कौन है? जो माता को न माने, पिता को न माने, गुरुजनों को न माने, समाज को न माने, वही निशाचर है। यही कर्तव्य अपनाया रावण ने, इसलिए आज उसके पुतले को जलाया जाता है और राम की पूजा होती है, यही इसका मेन उद्देश्य। द्वार स्थित मायापुर क्षेत्र में, जो कि श्री निरंजनी रामलीला कमेटी के हमारे भोला शर्मा जी आज हमारे साथ हैं, और आज रावण दहन का दिन है, तो आइए इनसे जानते हैं कि आज रावण दहन किस रूप में, कैसे और क्या विशेषता है इनकी। भोला शर्मा, आपका नमस्कार। पहले तो आपकी भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप एक मीडिया देश की आवाज़ हो, जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर कर लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हो, आपका भी स्वागत मैं करता हूँ, नमस्कार। तो आज क्या रावण दहन का जो दिन है, तो इसको क्या विशेषता, क्या पूर्ण, कैसे मनाया जाता है?
श्री निरंजनी रामलीला संस्था की तरफ से इस बार रामलीला का मंचन बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से मनाया गया। अब कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि आने वाली ये युवा पीढ़ी है ना, हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो मोबाइल की दुनिया में बहुत ज़्यादा घुसी हुई है, तो उस मोबाइल की दुनिया से हटाकर नई पीढ़ी को ये पता होना चाहिए भगवान श्री राम कौन थे, उनको 14 साल का वनवास क्यों हुआ, भगवान श्री राम से भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बने, ये बहुत ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए। हमारे इस स्टेज के माध्यम से हम जितना भव्य श्री राम का मंचन हो सकता है, जितनी लोगों तक अपने धर्म का प्रचार हो सकता है, हम उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज क्या मुहूर्त का समय है जो ग्रहण किया जाएगा? आज बहुत ही शुभ दिन है, विजयदशमी का दिन है। आज के दिन ही श्री राम ने, मर्यादा श्री भगवान राम जी ने रावण का ध्यान कर लंका को फूंक आज विजय बनाया था आज के दिन। तो आज उसी के दिन को बहुत ही उल्लास से बनाते हुए छोटा सा पुतला हमारी निरंजनी रामलीला की संस्था की तरफ से, अभी रामायण का संपूर्ण पाठ हुआ किया जाता है रामायण करते समय, तो उस पाठ को आज पूरा हवन आहुति देकर सब लोग कमेटी के मेंबर बैठकर पूजा करने के बाद रावण की भी पूजा की जाती है, क्योंकि बहुत विद्वान माने जाते थे पूरे भारत के, पूरे विश्व के बहुत विद्वान पंडित माने जाते थे, इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है, उसके बाद उनका पुतले का दहन किया जाता है। आपने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करा है, कोरोना काल का क्या पालन उसका करा है, और आज जो लास्ट दिन है उसका क्या आप पालन? लगभग हमने COVID-19 के तहत सोशल डिस्टेंस का, सैनिटाइज़र का, पूरे पार्क को सैनिटाइज़र कराने का, सारी कुर्सियों को रोज़ाना सैनिटाइज़र कराने का, उसके बाद लगभग सबको मास्क के लिए बोला गया था, लेकिन सबकी अब डोज कंप्लीट हो चुकी है और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया गया है। तो ये थे हमारे साथ बोला शर्मा जी, उन्होंने बताया कि रावण दहन की विशेषता है और किस तरीके से पूर्ण किया जाता है ये कार्यक्रम। कैमरा पर्सन के साथ मैं ऋषभ चौहान, न्यूज़ बुलेटिन बिहार। नेहरू स्टेडियम में किस किस चीज़ के पुतले बनाए गए? नेहरू स्टेडियम में हमने बनाए हैं जी, एक रावण बनाया और एक बनाया है हमने वो कोरोना का। कितनी लंबाई है रावण की? लगभग पचपन फुट लंबाई होगी। पचपन साठ हाँ साठ जैसे हर बार लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती थी, इस बार कम है, क्या है कारण इसका? वो इस बार कम नहीं, कमेटी वालों ने जैसे हमें बताया हमने इसे बनाया जी। अच्छा, और इसकी लंबाई कितनी है लगभग? इसकी लंबाई जी 45। विजयदशमी का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं हाथरस में आगरा रोड स्थित एमजी पॉलिटेक्निक के ग्राउंड में एक साल बाद कोविड की वजह से जो पिछले साल नहीं लगा था मेला, अब की बार वो मेला लगा है। क्या काफ़ी संख्या में मेले में दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें सजाई हैं, किस तरीके से यहाँ लोग आते हैं, क्या कुछ होता है पूरे बाजार में, इसकी हम यहीं जो दुकान लगाई है उन्हीं दुकानदारों से कुछ बात करेंगे, जानेंगे क्या है हाथरस के दशहरा में, किस तरीके से लोग आते हैं, कितनी इनकी दुकानदारी होती है, कितने लोग यहाँ जमावड़ा आता है। दुकानदार हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? बबलू बुलाते हैं। बबलू जी, यहाँ आप आए हैं, किस चीज़ की दुकान लगाते हैं आप? हमने आइसक्रीम की है, ये चाट पकौड़ी की है। यहाँ आप हर साल लगाते हैं? हर साल आते हैं। तो यहाँ कितने लोग आते हैं, किस तरीके की भीड़ रहती है? यहाँ तकरीबन 20-30 किलोमीटर का आदमी आता है मेला देखने के लिए रावण का। और ये तो अपने हाथरस का हर साल की भांति इस साल भी लगाए, मगर 2 साल से कोरोना के कारण लगा नहीं है। तो अब की बार लगाए तो क्या कुछ रहेगा आपकी दुकानदारी में? जनता आएगी, वो जनता आएगी, और हो सकता है माल सारा खत्म हो जाए शाम तक, वही दुकानदारों की तो यही आस है। अभी मेले में भीड़ कम है? अभी भीड़ कम है, शाम को 5 बजे से भीड़ आना चालू हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मेले में 5 बजे के बाद में लोगों का आना शुरू होता है, जैसे जैसे शाम होती जाएगी यहाँ लोग आते जाएंगे। इस तरीके से दुकानदारों का जो कहना है कि यहाँ काफ़ी हद में लोग आते हैं और यहाँ रावण दहन को देखते हैं। आज फिर एक बार हाथरस में भी बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मेला लगा हुआ है, लोग अपनी अपनी दुकानें जो है सजा के बैठे हुए हैं। हाथरस के आगरा रोड एमजी पॉलिटेक्निक पर स्थित हैं हम,
हम आपको दिखा रहे हैं बार बार किस तरीके से यहाँ मेले में लोग आए हुए हैं और दुकानदारी जो अपनी कर रहे हैं लोग यहाँ सामान आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ खिलौने की दुकान है बराबर में कप भी लेके जा रहे हैं। वहीं आप मेरे पीछे लगातार पीछे देखें कि यहीं से कुछ ही दूरी पर यहाँ रावण जो बना हुआ है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बराबर वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है। शाम को प्रशासन भी पूरी तरीके से यहाँ मौजूद रहेगा लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो इसका पूरा खासा इंतजाम प्रशासन की तरफ से भी रखा जाएगा। मैं दीपेश कुमार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया हाथरस।